दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप शेयर मार्केट से 3-4% का एडिशनल इनकम करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर आरओआई देखो 3,200 रुपये का है और इन्वेस्टमेंट है 97,000 का, और ये ऑलमोस्ट सेफ स्ट्रेटजी है। मंथली आपको 3 से 4% का मुनाफा आराम से मिल सकता है, वो भी बिना कुछ किए। तो अगर आपको ये रिटर्न एक्सेप्टेबल है तो ही आप ये वीडियो पूरा देखिए, अदरवाइज आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको कब बनानी है, किस सिचुएशन में बनानी है, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया उस टाइम आपको कैसे स्ट्रेटजी मैनेज करनी है, वो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव एलबी रॉय, मैं एक शेयर मार्केट कोच, ऑथर और यूट्यूबर हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो आप डेक्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं ये सेफ स्ट्रेटजी है क्या। स्ट्रेटजी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ऑपस्ट्रा पर आना है। यहाँ पर क्यों आना है, आपको पहले मार्केट का रुझान देखनी है। यहाँ पर आके ओपन इंटरेस्ट, ये वाली जो टैब है इसमें क्लिक कर देना है एंड ओपन इंटरेस्ट पर आपको आना होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि मंथली स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हम लोग निफ्टी इंडेक्स पर बनाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट वीकली एक्सपायरी आता है, तो आपको मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। अभी जून महीना चल रहा है, सो 29 जून हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन आया, ये जो बार्स देख रहे हो ना, ये बार्स आपको ओपन इंटरेस्ट दर्शा रहा है, किस स्ट्राइक पर कितना सारा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है हाईएस्ट वाई किस लेवल पर है, ठीक है। जैसे इधर डाउन साइड में हाईएस्ट वाई इस जगह पर है एंड अप साइड में हाईएस्ट वाई यहां पर है, और ये कौन सी लेवल है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं। ये लेवल है 18,000 और अप साइड में ये लेवल है 19,000 एंड अभी स्पॉट कितना चल रहा है, 18,750। इधर देख रहे हो ना, 18,750 है। तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन काम करता है जब आपका स्पॉट इस जगह पर होता, मतलब जहां पर हाईएस्ट ओआई है इसका बीचों बीच होता। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है फिर भी चलेगा, लेकिन ऐसा होने से परफेक्ट होता। अगर बीचों बीच होता तो आप उसको बनाओ, तुरंत ही बनाओ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मिलने का चांस मोर देन 90% होगा। अभी भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हाईएस्ट ओआई 1,000 पॉइंट्स का अंदर है, ठीक है, 18,000 से लेके 19,000 एंड अभी का स्ट्राइक है 18,750। तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाएंगे। स्ट्रेटजी क्या है, देखो स्ट्रेटजी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिंपल स्ट्रेटजी ही सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। मार्केट में तो बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजी है, लेकिन मेरे ख्याल से सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ये मेरा कहना नहीं है, एक्चुअली ये लियोनार्डो दा विंची का कहना है, तो वो मैं मानता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि हाईएस्ट ओआई अपसाइड में 19,000 लेवल पर है एंड अभी का स्पॉट है 18,750, ठीक है। ये स्पॉट एक्चुअली नहीं है, ये फ्यूचर्स की लेवल है। अगर आप कैश का लेवल देखोगे तो वो 650 पर होगा, ठीक है। तो हम लोग कैश लेवल देख के ही इसमें पोजिशन बनाएंगे। तो हम लोग जो 19,000 लेवल है यहाँ पर हाईएस्ट ओआई है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि स्पॉट बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, तो हम लोग इससे 100 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 19,100, ये वाली कॉल ऑप्शन को हम लोग राइट कर देंगे, ठीक है। 19,100 कितना क्रेडिट रिसीव होगा, 33 पॉइंट्स का। अभी इंडिया वीक्स का वैल्यू कितना है, 10-11 का रेंज में है, मतलब बहुत ही लोअर लेवल पर है इंडिया वीक्स, इसलिए हमें बहुत कम प्रीमियम रिसीव होता है। ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी होगा, तो प्रीमियम बहुत ही कम रिसीव हो रहा है। अगर इंडिया वीक्स मान लो 16-17 रेंज में आता है तो फिर आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उस टाइम फिर ये जो प्रीमियम है ये लगभग 50-60 का लेवल पर होगा, तो उस टाइम ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। फिर भी अभी चलेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, अभी तो सबको
कम प्रीमियम ही रिसीव हो रहा है, मतलब ऑप्शन सेलर्स के लिए ये खराब सिचुएशन है। तो एनीवे हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिया। एंड नीचे हाईएस्ट वाई कहां पर देखा हम लोग, 18,000 लेवल पर, तो यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर ये वाली पुट ऑप्शन को हम लोग राइट कर दिया। तो ये जो स्ट्रेटजी बना, ये बहुत ही एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बना, ये स्ट्रेटजी बना शॉर्ट स्ट्रैंगल। देखा यहां पर आपको प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 3,200 का, और यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और इसमें लगत कितना लग रहा है, 97,000 का, लगभग 1,00,000 का, ठीक है। तो इसको कैसे कम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप थोड़ी देर वेट करो, एंड यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 73%, तो बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी देख के आप ये मत सोचना कि इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको कैसे मैनेज करना है या आपको ये जो मार्जिन है उसको कैसे रिड्यूस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक इवन आप देखो, ब्रेक इवन आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, 18,036 से लेके 19,164, लगभग 1,150 पॉइंट। तो ये एक बहुत बड़ा रेंज होता है। अभी डेट कौन सा है, आज है 7th जून, मतलब अभी कितना ट्रेडिंग सेशन बाकी है ये एक्सपायरी में, हार्डली 13-14 ट्रेडिंग सेशन। सो 13-14 ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा रेंज, बहुत बड़ा रेंज होता है, मतलब इसमें आपको लगभग श्योर प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। अगर बाय चांस बहुत वोलेटाइल हो गया तो उस टाइम क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 3,200 का, एंड ये जो मार्जिन है इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, सिंपली आपको नीचे एक पुट ऑप्शन बाई करना है एंड अप साइड में एक कॉल ऑप्शन बाई करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 500 पॉइंट नीचे, सो हम लोग 18,100 का पी को राइट किया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 500 पॉइंट नीचे, मतलब 17,600 इसको हम लोग बाय कर देंगे, ठीक है, पुट ऑप्शन को। कितना हमें खर्चा हो रहा है, सिर्फ 11 रुपए का, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, एंड अपसाइड में भी सेम करेंगे, जो स्ट्राइक में हम लोग शॉर्ट किया था 19,100 ना, सो हम लोग 19,600 का कॉल ऑप्शन को भी राइट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ 6 रुपए देना पड़ रहा है। तो अभी देखो आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब लगभग आधा हो गया। तो अभी अगर आप ROI कैलकुलेट करोगे, ये मोर देन 4% होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर पहले अनलिमिटेड रिस्क था, वो अभी लिमिटेड हो गया 22,000 का, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कम होने से भी चलेगा, आपको श्योरिटी चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी बना ये है आयरन कंट्रोल स्ट्रैटेजी, आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिजी प्रोफेशनल हो तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा हेजिंग स्ट्रैटेजी ही बनानी चाहिए, इसमें प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ, बाई चांस मार्केट ड्रेस्टिकली मूव करने लगा, उस टाइम फिर आप क्या करोगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस है 22,000 का, फिर भी ये तो लॉस ही है ना। ये लॉस आपको कब मिलेगा, जब ये आपका रेंज से बाहर निकलेगा, 19,150 का ऊपर जाएगा या फिर 18,050 का नीचे आएगा। तो इसलिए हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं रिसेंटली एक किताब लिखा, द भगवत गीता ऑप्शन ट्रेडिंग, और ये बुक अमेजन पर उपलब्ध है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप ये किताब ले सकते हो। ये किताब बिगिनर से लेके एक्सपर्ट ट्रेडर तक पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स तक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये किताब का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ लेना, अगर पसंद आए तो इसको ले सकते हो। तो एनीवे अभी हम लोग जानते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। देखो आपको तब तक कुछ नहीं करना है जब तक ये इसी रेंज में हो, मतलब आपका जो प्रॉफिट जोन है इसमें जब तक रहेगा तब तक आप बिल्कुल कुछ मत करो, आप दिन भर अपना काम करते रहो, मार्केट को बीच बीच में एक दो बार देख लेना दिन में,
क्या जाता है कि नहीं। अगर इस रेंज में है तो आप कुछ मत करो। जब भी आपका शॉर्टिंग लेवल पर आएगा इधर अपसाइड में, मतलब 19,100 या 18,100 इस लेवल पर आया, तो फिर आपको थोड़ा बहुत टेंशन तो लेनी है, नहीं तो फिर आपका लॉस हो सकता है। उस टाइम आपको क्या करना होगा, मान लो 19,100 पर आया एंड अभी का स्पॉट है 18,600, तो यहां से कितना पॉइंट्स ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी, है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका पी शॉर्ट है 18,100 पी शॉर्ट है ना, इसको आप 500 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दो। सिंपली यहां से एग्जिट करो और 500 पॉइंट ऊपर, मतलब 18,600 पी को आप राइट करो, ठीक है। सिर्फ इसको ही नहीं, जो आपने पुट ऑप्शन बाय किया 11 रुपए से, उसको भी आपको शिफ्ट करना होगा 500 पॉइंट ऊपर, मतलब 18,100 का पी आपको बाय करना होगा, ठीक है। तो ऐसे करने से आपको एडिशनल क्रेडिट रिसीव हो जाएगी एंड बाय चांस ये लेवल जो ब्रेक इवन पॉइंट है 150, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है देन आप एडिशनल एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। इसका ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाया, शॉर्ट ट्रायंगल को कैसे एडजस्ट करना है, वो वीडियो आप देख सकते हो, नहीं तो आप ये लेवल ब्रेक होने से सिंपली एग्जिट, ठीक है। तो ये एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि इसमें आपका इंटरवेंशन बिल्कुल ही कम है। तो अभी आप मुझे प्लीज बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।